हैप्पी संडे फ्रेंड्स, 7 दिन अब सीबीटी एग्जाम्स में बाकी है एंड पता है ये संडे उतना हैप्पी नहीं है जितने नॉर्मल संडेज होते हैं। इसीलिए आज हम एक एकदम सिंपल टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं एंड विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन अ होल इन दिस वीडियो। सेल्स ऑन अप्रूवल जो टॉपिक है वो एग्जाम में 1 मार्क का या 1 से 2 मार्क मैक्सिमम का पूछा जाता है। अ वेरी सिंपल टॉपिक, आपको कुछ चीज़ें बस याद रखनी है एंड द टॉपिक इज कंप्लीट। सबसे पहले सेल्स ऑन अप्रूवल होता क्या है। एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए क्या करते हैं, मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर है एक प्रोडक्ट के। मिस्टर ए अपना प्रोडक्ट बाहर दूर देश में, कोलकाता में है वो, रांची रायपुर में अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं और मिस्टर बी वहां पर उस प्रोडक्ट का रिटेलर है। सेल्स ऑन अप्रूवल में क्या होगा, मिस्टर ए अपने गुड्स मिस्टर बी को सेंड करेगा। फ्रेंड्स, सेंड करेगा, सेल नहीं करेगा, सेंड करेगा। एंड मिस्टर बी को ऑप्शन देगा, कैसा ऑप्शन, अगर तुझे ये गुड्स पसंद आए या फिर तुझे लगता है तू इन गुड्स को कस्टमर को बेच पाएगा और प्रॉफिट कमा पाएगा तो तू इन गुड्स को एक्सेप्ट कर लेना और मुझे गुड्स के रिलेटेड पैसे दे देना। अगर तुझे लगता है नहीं गुड्स नहीं बिक पाएंगे तो मुझे सारे गुड्स रिटर्न कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब ए ने गुड्स सेंड किया, उस मिस्टर बी को एक ऑप्शन दिया कि अगर तुझे गुड्स पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो गुड्स रिटर्न कर देना। इसी को हम सेल्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बोलते हैं। सोच के देखिए, जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सेंड किया, क्या कोई ओनरशिप ट्रांसफर हुई, नहीं। यहाँ पे सिर्फ पोजेशन का ट्रांसफर हुआ, मतलब गुड्स अभी भी मिस्टर ए के हैं, बस मिस्टर बी के पास रखे हुए हैं। अब ये जो गुड्स सेंड किया, पोजेशन ट्रांसफर किया, इससे रिलेटेड जो सेल है वो तभी मानी जाएगी जब 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। 3 कंडीशन, सर 3 कंडीशन क्या, अगर मिस्टर बी अप्रूव कर दे, एसेंट दे दे कि ठीक है मैं गुड्स रखूंगा तो सेल कंप्लीट। अगर बी कुछ ऐसा कर दे गुड्स के साथ कि उसकी अप्रूवल मानी जाए, इंडिकेट हो जाए कि उसने गुड्स अप्रूव कर लिए, जैसे उसने थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर दिया, उसने गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो अब क्या गुड्स रिटर्न किए जा सकते हैं, नहीं, तो इसमें भी अप्रूवल माना जाएगा। या फिर नंबर सी, अगर वो अपने स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अप्रूवल ना दे, और अगर कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है तो रीजनेबल टाइम के अंदर अप्रूवल ना दे, तो माना जाएगा कि सेल कंप्लीट हो गई है एंड मिस्टर ए अपने बुक्स में सेल की एंट्री कर लेगा एंड मिस्टर बी अपने बुक्स में परचेज की एंट्री कर लेगा। इसे हम बोलते हैं सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ये एकदम बेसिक फंडा। अप्रूवल 3 केस में, या तो वो अप्रूव कर ले, या वो टाइम के अंदर रिटर्न ना करे, या फिर वो गुड्स के साथ कुछ ऐसा कर ले कि अब रिटर्न पॉसिबल नहीं है। अब एग्जाम में फ्रेंड्स 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, एक थ्योरी टाइप एक प्रैक्टिकल। थ्योरी टाइप मैंने जो आपको नॉर्मल ज्ञान बताया उससे आ सकता है या आगे कुछ आएगा उससे आ सकता है। प्रैक्टिकल टाइप में आपसे क्वेश्चन बहुत टाइप के पूछे जा सकते हैं। मैं अब प्रैक्टिकल टाइप डिस्कस करने के लिए अकाउंटिंग पोर्शन में इंटर कर रहा हूँ। सेल्स और अप्रूवल बेसिस की जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन और कितनी फ्रीक्वेंसी में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। अगर ट्रांजैक्शन सेल्स ऑन अप्रूवल वाले बहुत ही कम है, उसे हम बोलते हैं गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस ऑन कैजुअल बेसिस या कैजुअली। अगर ट्रांजैक्शन फ्रीक्वेंट है, मतलब 7 दिन 10 दिन 5 दिन 3 दिन में एक बार गुड्स निकल रहे हैं सेल्स ऑन अप्रूवल, फ्रीक्वेंट है, बहुत फटाफट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ऐसे। न्यूमरस एंड फ्रीक्वेंट, मतलब फटाफट भी हो रहे हैं और बहुत क्वांटिटीज में, बहुत नंबर्स में हो रहे हैं। इन तीनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सबसे पहले अगर कैजुअल बेसिस को सेंड करता है, मतलब बहुत ही फ्यू ट्रांजैक्शन है, तो
मेथड यूज करना चाहिए कि जो हम गुड्स उनको सेंड कर रहे हैं हमें उसे ऑर्डिनरी सेल की तरह या एक्चुअल सेल की तरह ट्रीट कर देना चाहिए। मतलब जैसे ही हमने गुड्स सेंड किया हम उसे अपनी सेल मान लेंगे। सर अभी तो आपने बोला जब सेंड करो सेल मत बोलना, जब अप्रूव हो तब सेल बोलना। मैंने ये जो बताया ये अकाउंटिंग की क्रक्स है, मतलब फाइनल अकाउंटिंग यही होगी, क्योंकि AS 9 बोलता है सेल्स को रिकॉर्ड तभी करो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए या जब सेल कंप्लीट हो जाए। बट ये वाला जो मेथड है ये बोलता है एक बार उसको ऑर्डिनरी सेल लिख लो, अगर फ्यूचर में जाके अप्रूव नहीं हुआ तो सेल को रिवर्स करके नेट लिख लेना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। अब फटाफट डिस्कस कर रहा हूँ, जब गुड्स सेंड करेगा, जब मिस्टर ए गुड्स सेंड करेगा वो क्या एंट्री करेगा, सेल की एंट्री करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मान लीजिए मिस्टर बी ने कुछ गुड्स रिटर्न कर दिए, क्योंकि मैंने गुड्स भेजा तो सेल की एंट्री किया, मुझे सेल्स रिटर्न लिखना होगा, मैंने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी। नंबर 3, अगर मिस्टर बी गुड्स अप्रूव कर ले, सोचिए क्या गुड्स अप्रूव हो गए मतलब सेल कंप्लीट, हाँ। क्या हमने सेल की एंट्री पहले ही कर रखी है, हाँ, क्योंकि सेल की एंट्री पहले ही कर रखी है, अब सेल की एंट्री करने की जरूरत नहीं है। तो अगर बायर गुड्स अप्रूव कर लेता है तो हमें अलग से एंट्री नहीं करनी पड़ती इस मेथड में, क्योंकि सेल पहले ही लिखी जा चुकी है। बट अगर वो अप्रूवल इनवॉइस प्राइस से ऊपर या नीचे हो रहा है, मतलब नॉट एग्जैक्टली एट द इनवॉइस प्राइस, हमने उसे बोला था गुड्स दे रहा हूँ 20,000 के गुड्स है, उसने बोला जी मैं अप्रूव करूंगा बट मैं 20 नहीं दे पाऊंगा, मैं 18,000 ही आपको पेमेंट करूंगा, मैं 18,000 ही आपको पेमेंट करूंगा। तो हमने सेल तो 20,000 से दिखा के रखी है बट गुड्स एक्चुअली 18,000 में अप्रूव किए गए, तो हमें 2,000 से सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, जॉइंट एंट्री हो जाएगी सेल टू बी। हाँ, अगर वो हायर प्राइस पे करे तो उस डिफरेंस अमाउंट के लिए हमें सेल एंट्री अलग से करनी पड़ेगी। अब सबसे मेन बात, मान लीजिए ईयर एंड पर मिस्टर बी के पास कुछ गुड्स बच जाए, एक बात बताइए ये गुड्स ए ने बी को सेंड किए, मिस्टर बी के पास कुछ गुड्स बच गए, ना इन पे अप्रूवल आया है ना टाइम खत्म हुआ है इंटीमेशन का, तो ये गुड्स जो अप्रूव नहीं किए गए ये ए के गुड्स ओन्ड है या बी के, ए द्वारा ओन्ड है। अगर ए द्वारा ओन्ड है तो इसको क्लोजिंग स्टॉक भी किसको दिखाना चाहिए, ए को। अगर ईयर एंड में कुछ गुड्स बच जाए जिनकी इंटीमेशन नहीं आई है, जिनका टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मिस्टर ए को इस मेथड में दो काम करने होंगे। सबसे पहले जो सेल उसने लिखी थी सेंड करते टाइम, क्या ये गुड्स अप्रूव हुए, नहीं। अगर गुड्स अप्रूव नहीं हुए तो सेल कंप्लीट हुई, नहीं। अगर सेल कंप्लीट नहीं हुई तो सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल टू डेटर, सेल को रिवर्स करना पड़ेगा, सेल टू डेटर। और जो गुड्स उसके पास बचे हैं वो क्लोजिंग स्टॉक किसका, मिस्टर ए का, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक बोल के कॉस्ट पर वैल्यू करके, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, क्योंकि सेलिंग प्राइस हायर है तो कॉस्ट पे ही हमें वैल्यू करना पड़ेगा, तो उनकी कॉस्ट निकाल कर उन्हें क्लोजिंग स्टॉक किसके बुक्स में लिखना होगा, मिस्टर ए के बुक्स में। टोटल 5 बात, फटाफट सेंड किया सेल की तरह लिखो, रिटर्न किया रिटर्न की एंट्री, अप्रूव किया कोई एंट्री नहीं, अगर ईयर एंड पे कुछ गुड्स बच गए जिनका इंटीमेशन नहीं आया एंड जिनका टाइम भी खत्म नहीं हुआ, तो उसको हम लोग सबसे पहले सेल्स रिवर्स करेंगे क्योंकि वो सेल कंप्लीट नहीं हुई, और नंबर 2 उसको अपना क्लोजिंग स्टॉक बोलकर दिखाएंगे। जर्नल एंट्री होगी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। अब मान लीजिए सबसीक्वेंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में मिस्टर बी गुड्स अप्रूव कर लेता है, अगर सबसीक्वेंट ईयर में मिस्टर बी गुड्स अप्रूव कर लेता है तो इसकी हमें सेल एंट्री फिर से करनी पड़ेगी। भैया सेल एंट्री तो पहले कर ली थी, एंट्री की थी रिवर्स कर दी थी, तो सेल एंट्री की नहीं हुई, ऐसे हमें सेल एंट्री करनी पड़ेगी। अगर गुड्स रिटर्न कर दे, ये किसका क्लोजिंग स्टॉक दिखाया हुआ है, हमारा, तो उसने अगर रिटर्न कर भी दिया तो इसकी कोई एंट्री की दरकार नहीं है।
ये है कैजुअल मेथड जहां पर हम गुड्स को ऑर्डिनरी सेल की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, किससे भैया? जो ईयर एंड वाला स्टॉक बचा। अगर मैं पूछूं फाइनल अकाउंट्स में इससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट होंगे, आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी, फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट बताओ। भैया सेल डेबिट किए मतलब सेल कम करनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल से माइनस कर दो। कौन से प्राइस पर? सेलिंग प्राइस पर, क्योंकि सेल जब रिकॉर्ड की थी तो भी कौन से प्राइस पे की थी? सेलिंग प्राइस। तो उसका जो रिवर्सल भी होगा वो भी कौन से प्राइस पर होगा? सेलिंग प्राइस। नंबर टू, डेटर को क्रेडिट किया मतलब डेटर की वैल्यू कम की, तो बैलेंस शीट में डेटर से भी लेस कर देंगे। कौन से प्राइस पर? सेलिंग प्राइस पर। और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना है तो ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में इस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। फाइनल अकाउंट में सेल से लेस, डेटर से लेस, जो वैल्यू अभी तक इंटीमेट नहीं की गई है, और क्लोजिंग स्टॉक में ट्रेडिंग और बैलेंस शीट दोनों जगह ये अमाउंट हमें ऐड करनी है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डू द सम ऑफ दिस टाइप प्लीज, बिकॉज एग्जाम में एक क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत बार पूछा जाता है। नंबर टू मेथड, अगर गुड्स फ्रीक्वेंटली सेंड किया जाए तो हम एक रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं गुड्स सेल्स और रिटर्न जर्नल, सेल्स और रिटर्न जर्नल या सेल्स और रिटर्न डे बुक। ये सेल्स और रिटर्न जर्नल या सेल्स और रिटर्न डे बुक में चार कॉलम होते हैं, गुड्स सेंड, गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स रिटर्न, बैलेंस। गुड्स सेंड, गुड्स अप्रूव्ड, गुड्स रिटर्न और बैलेंस। जब हम गुड्स सेंड करेंगे सेंड कॉलम में लिख देंगे, चार कॉलम होते हैं सेंड में, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो नंबर, अमाउंट। वैसे ही चार कॉलम अप्रूव्ड, चार कॉलम रिटर्न और एक कॉलम सिर्फ बैलेंस में रहता है अमाउंट का। तो चार मेन कॉलम, सेंड, रिटर्न, अप्रूव्ड, बैलेंस, और तीनों के अंदर चार चार कॉलम करके जब सेंड करेंगे सेंड कॉलम में लिख देंगे, जब उस सेंड गुड से रिटर्न आ जाएंगे गुड्स रिटर्न कॉलम, जब गुड्स अप्रूव हो जाए अप्रूव कॉलम, और सेंड माइनस रिटर्न माइनस अप्रूव जो भी गुड्स बचेगा वो बैलेंस। यहाँ जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो सेलिंग प्राइस पर करते हैं। अब ये तो हो गया रजिस्टर बनाने का बात, भैया लेजर पोस्टिंग। जब गुड्स सेंड करेंगे तो क्या कोई ओनरशिप ट्रांसफर हुई? नहीं, तो हम कोई एंट्री हमारी मेन बुक्स में नहीं करेंगे। जब गुड्स रिटर्न किए गए तो क्या कोई एंट्री की दरकार है? नहीं भैया, जब सेंड की एंट्री नहीं की रिटर्न की एंट्री नहीं करनी है। जब गुड्स अप्रूव हो जाए तो क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई? हाँ। क्या सेल कंप्लीट हो गई? हाँ। अब एक एंट्री जाएगी मेन बुक्स में, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और जो गुड्स बैलेंस बच गए हैं उनको हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू पर? कॉस्ट। बट बैलेंस कॉलम में कौन सा वैल्यू है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को कॉस्ट में कन्वर्ट करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे। सिंपल मेथड। लास्ट, न्यूमरसली, अगर गुड्स सेंड हम न्यूमरसली कर रहे हैं तो हमें इस डे बुक के साथ साथ, दैट इज सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक के साथ साथ सेल और रिटर्न लेजर भी मेंटेन करना है। सेल और रिटर्न जर्नल या सेल और रिटर्न डे बुक के साथ साथ सेल और रिटर्न लेजर भी मेंटेन करना है। ये मेमोरेंडम बुक्स है। मेमोरेंडम बुक्स का अर्थ है इनकी डबल एंट्री हम कंप्लीट नहीं करते हैं मेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ये मेन बुक्स ऑफ अकाउंट से हटकर एक अलग पार्ट है, ठीक। इसमें भी जैसे हमने डे बुक सीखा सेम डे बुक यहाँ बनाएंगे। लेजर में पोस्टिंग करते टाइम खाली आपको इतना याद रखना है कि इसकी लेजर पोस्टिंग एकदम सब्सिडियरी बुक की तरह होती है, मतलब डेटर का अमाउंट, इंडिविजुअल डेटर का अमाउंट उसके अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट होते जाएगा इंडिविजुअली, और जो टोटल अमाउंट है वो टोटल एक ही मेन अकाउंट में जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल और रिटर्न अकाउंट। यहाँ हम दो अकाउंट बनाते हैं, सेल और रिटर्न अकाउंट, और जो डेटर होते हैं बहुत सारे उनका इंडिविजुअल लेजर, इंडिविजुअल डेटर्स अकाउंट। तो ये दो अकाउंट बनाएंगे और इनमें हम लोग मेमोरेंडम मतलब डबल एंट्री सिस्टम यही कंप्लीट कर देंगे। मेन बुक्स में इसकी कोई पोस्टिंग नहीं होगी। अब इतनी बात करने के बाद एक छोटी सी बात,
अगर सेल्स ऑन अप्रूवल में आपने गुड्स भेज कर रखे हैं अपने कस्टमर को, तब जब इन्वेंट्री टेकिंग आप करो, फिजिकल स्टॉक जब आप लो, उससे जब बुक स्टॉक या आपके बुक्स अकाउंट बुक्स वाला क्लोजिंग स्टॉक निकालो, तो इन गुड्स की जिनका इंटीमेशन नहीं आया है उनको हमें ऐड कर देना चाहिए. तो कॉस्ट ऑफ सच गुड शैल बी एडेड टू फिजिकल स्टॉक. सेल्स एंड ऑन अप्रूवल में इतनी बातें हमने की, इससे बाहर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछते. कुछ क्वेश्चन कर लिए जाए. सबसे पहला इंस्टीट्यूट मैट पेज नंबर 7.109 क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन पूछता क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है बताइए इन्वेंट्रीज विद कस्टमर कितनी है. इन्वेंट्रीज विद कस्टमर मतलब जो गुड्स हमारे कस्टमर के पास है अप्रूवल बेसिस में, जिनका इंटीमेशन नहीं मिला है. 31 दिसंबर को गुड्स भेजा था, सेलिंग प्राइस 30,000. ध्यान दीजिएगा सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं. कभी कभी क्वेश्चन घुमाने के लिए वो कॉस्ट भी दे देते हैं, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सेल प्राइस है. जब मैं क्लोजिंग स्टॉक लिखने जाऊंगा मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिएगी, तो ये मुझे कन्वर्ट करना होगा. और अगर डायरेक्टली कॉस्ट में दे दिया होता तो कन्वर्जन का झमेला नहीं होता. वेयर लाइन विद कस्टमर मोहन टू होम दिस गुड्स वेयर सोल्ड ऑन अप्रूवल रिटर्न बेसिस रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल्स. Since no consent was received from Mohan, an adjustment entry was made. Presuming goods sold at a profit of cost plus 20%, अगर cost के ऊपर 20% यानी 1/5 का profit है, तो sales के ऊपर profit कितना हो जाएगा, 1/6. अगर cost से sales में जाना है तो आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ऐड कर दीजिए. 1/6 प्रॉफिट है. अगर 30,000 के सेलिंग प्राइस पर 1/6 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000. तो कॉस्ट कितना हुआ, 25,000. आंसर डी, 25,000. क्वेश्चन नंबर 5. उमेश सेंड्स गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एज फॉलोज. बहुत सारे अप्रूवल बेसिस पे गुड्स सेंड किए. बोला इन्वेंट्रीज ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस विल बी. इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है लास्ट डेट पर 31 जनवरी में. अब देखते हैं अन्ना को भेजा 3,000, उसने एक्सेप्ट किया 3,500, उसने एक्सेप्ट किया 3,000, रिटर्न कर दिया 500, तो बैलेंस बता दीजिए निल सर निल. बाबू को भेजा 2,800, उसने एक्सेप्ट कर लिया 2,800, तो इसके पास भी बैलेंस गुड्स कितने हैं, निल. इसको भेजा 3,680, इसने रिटर्न कर दिए पूरे 3,680, तो इसके पास भी बैलेंस कितना, निल. इसको भेजा 1,260, इसने 1,000 एक्सेप्ट किया और 260 रिटर्न कर दिया, तो इसके पास भी बैलेंस कितना, निल. तो बैलेंस गुड्स है कितना कस्टमर के पास, निल. तो आंसर हो गया बी. क्वेश्चन नंबर 6. ये क्वेश्चन इस बार के CS फाउंडेशन एग्जाम में भी आया था और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन पूछ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विद कस्टमर यानी क्लोजिंग स्टॉक. बोला अ कंपनी सेंड्स इट्स कार्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स. कैजुअल मेथड आर पास थ्रू सेल्स टेबल जस्ट बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. टू कार्स व्हिच हैड कॉस्ट 55,000. ध्यान दीजिएगा कॉस्ट. Each have been sent on sale or return and have been debited to customer account at 75,000. Cost थी 55,000, हमने भेजा 75 selling price पर. तो जब inventory लिखेंगे cost पर या selling price पर, cost पर, तो answer होगा 55,000 into 2 cars. बच्चों 2 cars. तो answer हो जाएगा 1,10,000. Thank you so much.